दिमाग का कंफ्यूजन और लॉस ऑफ लिबिडो ये स्त्री में देखा जाता है। मतलब कभी बार ऐसा होता है कि महिलाएं आती नहीं है हमारे पास में, उनको शर्म लगती है। हमारे कल्चर में ऐसा है कि डॉक्टर के पास में कैसे जाएंगे, मुझे कम इच्छा होती है और इच्छा ही नहीं है कभी कभी। तो फिर इसलिए मेरे पास में कपल आया, उनको प्रॉब्लम यह था कि वो स्त्री जो है, वो महिला जो है, उसको इच्छा ही नहीं होती, उसके दिमाग में इतने सारे विचार चालू है और उसको सेक्स की इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल। उसको मतलब हस्बैंड ने टच किया तो वो इरिटेट हो रही है, हस्बैंड ने टच किया तो बोलती नहीं नहीं बाजू हाथ करो, मुझे मत छुओ, मतलब इस तरह का इतना। और जबरदस्ती कभी तैयार हो गई तो बोले मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता, मुझे कोई ऑर्गेजम नहीं हो रहा है और मुझे वो करना ही नहीं। एक बच्चा है, बेटा है 3 साल का और अभी उसको इच्छा ही नहीं। अच्छा, उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, 30 ईयर्स है वो स्त्री की उम्र और ये 32 साल का लड़का है। तो बोलता है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो मेरा कैसा होगा ना, मतलब उसको इच्छा है, उसको लिबिडो है, उसको डिज़ायर है और बिल्कुल ही नहीं करने दे रही है। तो अल्टीमेटली मेरे पास में आए। इसमें होता क्या है कि हम जाते इसमें प्रॉब्लम है कि क्या रियली प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज क्या है। मालूम ये पड़ा कि वो जो लेडी है वो गवर्नमेंट ऑफिस में एक अच्छे पोजीशन में सीनियर क्लर्क है, उसको करीब करीब 35,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। उम्र के हिसाब से शादी लेट हो गई ऐसा उसको लगता था कि भाई मतलब अभी अपनी शादी लेट हो रही है ऐसा उसको लगा। और फिर घर से बहुत प्रेशर आ रहा था तो उसने क्या किया कि ठीक है भाई, पहले बहुत लोगों को ना 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 लड़कों को ना बोला, तो फिर अभी एक लड़का आया, प्रपोजल आया तो वो लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसको 12-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, तो उसने बोला ठीक है मैं कर लेती हूँ। ये कोई दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी मगर इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी इसलिए शादी नहीं हुई। अब उसने किया कॉम्प्रोमाइज़ कि भाई इसको एक गवर्नमेंट जॉब 35,000 रुपये सैलरी मिल रही है, लड़के को 15,000 का जॉब प्राइवेट में, वो भी हाथ में इतने मिलते नहीं है, अपसेंट रहा तो उसका कट्टा है सैलरी। और फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं नहीं मैं तो मतलब बड़ी हूँ, मतलब मुझे, मैं एजुकेटेड भी हूँ, मुझे अच्छी सैलरी भी है, थोड़ा सा ईगो भी आ गया। और फिर क्या होता है कि बाकी लोग बहकाते हैं, उसकी सहेलियों ने उसको बहकाया, बाकी रिलेटिव उनको बहकाया, तू तो क्या अच्छी है, मतलब आप तो कंट्रोल कर रही है सब, आपके हाथ में पैसा आता है, आपको तो गवर्नमेंट जॉब है, और मतलब तुम, तेरा हस्बैंड तो ऐसी है, तुमने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, ऐसा लोगों ने चिढ़ाना बोलो या आग में तेल डालना है इस तरह का। और उसको ऐसा लगने लगा कि मैंने गलती किया और मैंने इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मगर अभी शादी तो हुई है तो फिर कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा करना, झंझट करना, फिर सास के साथ में नहीं पटना। फिर वो चली गई अपने मायके और फिर वहाँ 3-4 महीने वहाँ रह रही, इधर ये 3-4 महीने अकेला रह रहा है। उसको लगा कि यार मैंने गलती किया, मैंने शादी नहीं करना चाहता, फिर सुसाइडल थाट्स आ रहे हैं। फिर उसने उस समय क्या किया कि बोले मुझे तो मकान लेना है गवर्नमेंट स्कीम में, कुछ उसको लोन भी बहुत कम इंटरेस्ट में मिल रहा था तो उसने मकान लिया और मकान बोले बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया तैयार। अब उसका ईएमआई बढ़ रहा है तो हाथ में पैसे नहीं आ रहे, ईएमआई देना पड़ रहा है। तो अभी मतलब सब तरह से फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, ईगो के प्रॉब्लम्स है, बच्चा 3 साल का है तो अभी उसका एक नया प्रॉब्लम चालू है, तो बच्चों का प्रॉब्लम है और वो लड़की है, अभी लड़का होना करके सेकंड इशू चाहिए करके सास ससुर का प्रेशर है। ऐसे इसमें बोले कि मुझे तो रहना ही नहीं, मेरे को तो मरना है, मतलब इस तरह का डिप्रेशन उसको आ गया। अब उसको इच्छा ही नहीं बिल्कुल, और इच्छा नहीं फिर वो आगे मेरे पास में कि भाई करो क्या करना है, तो मतलब कुछ तो भी करो, हमको सपोर्ट करो, हमको हेल्प करो, हमको ठीक करो ताकि हमारा सेक्शुअल लाइफ ठीक हो जाए। तो देखो भाई आपको मेनली क्या है कि टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये है, आप पहले ये सॉर्ट आउट करो कि आपने जो शादी की वो शादी खुद के चॉइस से किया कि इसने आपको फोर्स किया। उन्होंने थोड़ा फोर्स तो हुआ ही है मगर अल्टीमेटली चॉइस तो मेरा ही था और मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मगर ठीक है, अभी उस समय तो जो किया वो किया, शादी में आपने गले में हार डाला उसके, उसने आपके गले में हार डाला, शादी तो अच्छी हुई, आपको बेटी भी है, तो सब ये होने के बावजूद भी अभी क्यों ये सब। हर एक को लगता है कि भाई मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरा मकान अच्छा नहीं, मेरा दुकान अच्छा नहीं, मेरा प्रोविजन अच्छा नहीं, उसका अच्छा लगता है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई मेरा अच्छा मुझे लगता नहीं है, दूसरों को अच्छा लगता है। तो आपको भी ऐसे हो रहा है कि आपकी सहेलियां हैं, उनका हस्बैंड दिख रहा है, वो मजे में रह रही है, आपको लगता है कि मैं मजे में नहीं हूँ, मेरे को काम करना पड़ रहा है,
हस्बैंड इतना कमाता नहीं है और उसका जो है वो मैंने मानना नहीं चाहिए, मेरा मतलब उसने मानना चाहिए, इस तरह का एक ईगो आ गया है और उसमें सब गड़बड़ हो रही है। उसको मैंने काउंसलिंग किया। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं तो वो थॉट्स कहाँ शुरुआत हुए, शुरुआत कहाँ है, और एक नेगेटिव थॉट आपको नेगेटिव थॉट देते रहता है और फिर बढ़ता 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 जाता है, वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है। तो उसको हमने ट्रेस किया, शुरुआत कहाँ से हुई, और जो भी आपने फिर बाद में एक के ऊपर एक थॉट्स बड़े किए, क्या वो ठीक है, क्या वो मतलब बराबर है, क्या वो रियलिटी है, क्या वो ट्रूथ है, क्या वो लॉजिकल है, ऐसा तो नहीं है। फिर आप खामोखा आपका खुद का संसार जो है वो आप खराब कर रही है इसमें। तो जब सेशन हुए तो उसको भी ठीक लगा, उसको लगा कि बराबर है, मैं लोगों के बहकावे में आके एक तो वो उसमें खराबा कर रही है और दूसरा तो मेरे में ही ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने गलती किया। तो समझो आपको ऐसा लग ही रहा है गलती किया और आपको भी ठीक करना ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, आपके पास में चॉइस है कि भाई डिवोर्स दे दो, अलग हो जाओ और शादी करो, और नहीं तो फिर जो शादी चल रही है उसमें ही आप प्लेजर सुख आनंद कैसा पा सकते हो वो देखो। तो ऐसा काउंसलिंग करने के बाद उसको काफ़ी अच्छा लगा, उसको मैंने थोड़ा सा एंटी डिप्रेशंस एंटी एंग्जाइटी दवा भी दी ताकि उसको जो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, सुसाइडल थॉट्स, तो वो भी उसको अच्छा लगा, रिलैक्स हो गए वो, और बाद में एक 3-4 सेशन में काफ़ी उसको अच्छा लगा। बाद में दोनों भी आए बोले कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक 3-4 महीने बाद में वो आए बोले कि अभी हमको मतलब बच्चा होने वाला है, नाउ शी इज प्रेग्नेंट एंड वी आर वेरी हैप्पी, बहुत हम खुश हैं। तो ये जो है कि इच्छा ही नहीं होना या लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर या इंटरेस्ट, ये बहुत बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स से साइकोलॉजिकली होता है और उसमें वो ढूंढना पड़ता है कि शुरुआत हुई कहाँ से, और वो यदि इलाज करते तो दवाई की जरूरत पड़ती नहीं। थैंक यू वेरी मच।